संघ की पहल दलित दूसरों की तरह चढ़े घोड़ी, शिव मंदिरों में करें जलाभिषेक, नौकर और नौकरानी के साथ भी चाय पिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस सामाजिक समरसता कार्यक्रम के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में अपनी पेट बढ़ा रहा है। इसी क्रम में संघ गांवों और शहरों में सामूहिक पूजन में शिव मंदिरों में जलाभिषेक, सफाई कर्मियों का सम्मान और उनके बीच जलपान जैसे आयोजन करने जा रहा है। इससे दलित समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ेगा तो उनके बीच संघ भी अपना दायरा बढ़ाएगा। संघ ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है जिससे गाँव में किसी भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से ना रोका जाए, उसके बाद सामान्य वर्ग के परिवार के दूल्हे की तरह ही धूमधाम से निकले। दलित वर्ग को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने से रोकने की कुरीति भी खत्म की जाए, इसके लिए संघ के स्वयंसेवक लोगों को जागरूक करेंगे। जहां भी दिक्कत होगी वहां समस्या का समाधान किया जाएगा। संघ वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जयंती पर गांव में कार्यक्रम कर समाज को जोड़ने का काम करेगा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मिले एजेंडे के तहत संघ जब पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के सभी प्रांतों में इसे धरातल पर उतारने में जुट गया है। संघ के समरसता कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि सामाजिक समरसता का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सभी जातियों को जोड़ना है। यदि हिंदू धर्म की जातियां आपस में लड़ती रहेंगी तो हिंदू धर्म कमजोर रहेगा। संघ का मानना है कि जब घर में काम करने आने वाली महिला से चाय बनवा सकते हैं तो उसके साथ बैठकर चाय क्यों नहीं पी सकते। इस विचार को लेकर संघ लोगों के बीच आएगा। लोगों से आग्रह करेगा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी के साथ बैठकर चाय और जलपान करें, उनकी दुख तकलीफ की बात सुने और उनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास करें। संघ आगामी सावन महीने में गाँव और शहरों के शिव मंदिरों में दलितों के साथ जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। गाँव में अगड़े पिछड़े और दलित वर्ग के लोग एक साथ मिलकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। हालांकि अभी मंदिरों में दलितों के साथ हवन पूजा आयोजन किया जाता रहा है। बहराइच में बीते वर्ष दलित बस्तियों में लोगों ने एक समुदाय विशेष के प्रभाव में आने के बाद घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखना बंद कर दिया था। इसकी सूचना पर संघ ने वहां दलितों के बीच जाकर अभियान चलाया जिससे फिर से पूजा पाठ करने लगे। संघ के स्वयंसेवक अपने घरों या घर के आसपास पेड़ लगाकर उसका संरक्षण करने के साथ लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। पक्षी संरक्षण के लिए लोगों को घर के बाहर चिड़िया, कबूतर व अन्य पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करने के लिए जागरूक करेंगे। संघ का प्रयास है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। जब तक लोगों के स्वभाव में यह नहीं आएगा तब तक समरसता संभव नहीं है। इसके लिए संघ सामूहिक हवन और पूजन जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों के स्वभाव में लाने का प्रयास कर रहा है। डॉक्टर अशोक दुबे, अवध प्रांत प्रचार प्रमुख, आरएसएस।